महाराज दशरथ की जय। मंत्रीवर जी महाराज, मेरे मन में स्वयं का प्रतिबिंब देखने की इच्छा उत्पन्न हुई है, आप कृपया करके दर्पण की व्यवस्था करिए। ठीक है महाराज। मैं एक क्या देख रहा हूँ, मेरे कर्ण समीप के श्वेत हो रहे हैं। इस श्वेत केस इस बात की घोषणा कर रहे हैं, खत्म होते जा रहे अब मेरे जीवन के दिन, रह रहा मुझसे बुढ़ापा, काल की खड़ी रोक दी। बुझ गया दीपक तो फिर होगी कहां से रोशनी, क्या भरोसा स्वप्न जैसी है जगत की रोशनी। आता है ग्रीष्म काल सुंदर बसंत ऋतु जाती है, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, करुणाई पर अब पड़े प्रीतावस्था अब आती है। काली मत वाली रात गई आगरा चांद का उजियाला, आ गया चांद का उजियाला, पकता है राहु का प्रभाव को, है ज्ञान से जो पढ़ने आया, पकता है अब तक उन्मत्त के राज्य में था, अब तक माया युवराज अपने बड़े सुपुत्र श्री रामचंद्र जी को बना देना चाहिए और स्वयं संन्यास ले लेना चाहिए। सोच रहा हूँ चलो गुरुदेव के पास और उनसे इस विषय पर विचार विमर्श करूँ, आपकी क्या सलाह है? सही है महाराज, चलिए। करता हूँ प्रणाम ऋषिराज को, इस पर बढ़ाएं आपके तेज और प्रताप को, आइए महाराज आसन ग्रहण करिए। जो आज्ञा गुरुदेव। कहिए महाराज, आज आपका आगमन क्यों हुआ? हे गुरुदेव, मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पर विचार विमर्श करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहिए महाराज। हे देव उतरता है सर से अब तो प्रेत जवानी का, देखिए सुख
सीखता जाता है प्रभु अपना खेत जवानी वाली। वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणावस्था अब बागी है, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद की चांदी है। समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे, हो रहा राज के योग्य राम अब उसको। हे गुरुदेव, आज मैं दरबार में बैठा हुआ था, उसी समय मेरे मन में विचार आया कि मैं अपना प्रतिबिंब देखूं। जब मैंने दर्पण मंगवा के अपना प्रतिबिंब देखा तो देखा कि मेरे कर्ण समीप के केस श्वेत हो रहे हैं। उसी समय मेरे मन में विचार आया कि मैं अब अपने बड़े सुपुत्र श्री राम को अयोध्या का युवराज बनाऊं और स्वर्ण संन्यास ले लूं। इस संबंध में आपकी क्या सलाह है? पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का है धर्म यही, राजाओं का है धर्म यही, चौथापन करना मातो दे है दिलासियों का, चौथापन। अवधेश आपकी ये बातें मन के संयम पर निर्भर है, मन के संयम पर निर्भर है, तप करूं तपोवन में जाकर बस यही आप गलती पर है, तप करूं। घर में ही हो एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो बहिष्कार, आराधन आत्म तत्व का हो, चिंताओं। श्री रामचंद्र युवराज बने यही विचार अब सुंदर है, यही विचार अब सुंदर है, छोड़े समस्त चिंता मन की तामन जब है छोड़े। हे महाराज जी, गुरु आपका यह विचार तो बहुत सुंदर है, पर आपने ये जो कहा कि तपस्या करने के लिए वन में जाना उचित है, यहाँ आप गलती पर हैं। आप घर में ही चिंताओं का त्याग कर प्रभु का आराधना कर सकते हैं और अपने राजभार को प्रभु श्री रामचंद्र के हवाले कर सकते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। वैसे मेरा कुल की परंपरा रही है कि नए राजा की घोषणा से पूर्व नगर प्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों से भी सलाह किया जाता है। ऐसे में मेरा निवेदन है कि आप राजमहल को नगर को चलिए, मैं वहाँ एक सभा बुलवाता हूँ। नगर प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि अगर इस विषय पर सकारात्मक होंगे तो उसी समय आप एक शुभ मुहूर्त निकालिएगा और उसी मुहूर्त में मैं श्री राम का राज्याभिषेक कर लूंगा। ठीक है महाराज, चला जाओ, चलिए। हे देवतागण, मैं देवराज इंद्र आज आप लोगों को कुछ बताने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है। अब अगर ये राज्याभिषेक होता है तो उसके नाते भगवान श्री राम अपने राजपाट में व्यस्त हो जाएंगे, और भगवान राम अगर अपने राजपाट में व्यस्त हो जाएंगे तो फिर रावण का संहार कैसे होगा? और ये रावण हम लोगों के ऊपर जो इतना अत्याचार कर रहा है, इस अत्याचार से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? इसलिए हे देवतागण, आइए हम लोग माँ सरस्वती की वंदना करें और उनसे दया मांगे कि वो हमें इस रावण के अत्याचार से मुक्ति दिलाए। ठीक है महाराज, चलिए।
हे माँ कुछ ऐसा यत्न करो, हे माँ कुछ ऐसा यत्न करो, राज्याभिषेक रुकवा देना। हे मास्टर सरस्वती, हम लोग आपकी शरण में आए हुए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। अरे सार राहिमान माय राहिमान माय राहिमान राहिमान मुझे किसी लिए आपके हुकुम सर। हे माँ, जैसा कि आपको विदित है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हो रहा है और इधर हम लोग रावण के अत्याचारों से पीड़ित हैं, इसलिए आप ही कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक रुक जाए और भगवान श्री राम ने जिस लिए अवतार लिया है उस कार्य को अपना पूरा करें और रावण का संहार करें। देवताओं, तुम लोग का कर्म बहुत नीचा है, स्थान बहुत ऊंचा है, तुम लोग किसी का भला नहीं चाहते हैं। हे माँ, हम लोग आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। त्राही माँ माँ त्राही माँ। अच्छा ठीक है, तुम सब हमारे पास आए हो तो मैं अयोध्या जाती हूँ, मंत्र को कंठ पर बैठ के निवास करती हूँ, उसको मत को मैं मार देती हूँ। ठीक है माँ।